गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम बनाने जा रहे हैं चॉकलेट कप केक, जो बहुत ही टेस्टी और बहुत ही सॉफ्ट बनता है। और सबसे अच्छी बात है इसकी, यार ये 1 मिनट के अंदर बन जाता है। मतलब कोई भी आ रहा है उसको मीठा खाने का पसंद है, हमें शाम को मन करता है मीठा खाने का, तो लाइक ये 1 मिनट के अंदर बन जाता है बहुत ही सिंपल इंग्रेडिएंट्स के साथ। तो ये देखते हैं इसे कैसे बनाते हैं। तो मैंने कप के अंदर ही हमें 3 चम्मच मैदा लेना है। आप जो चम्मच है वो एक ही चम्मच रखिएगा, मतलब सेम ही चम्मच से हम मेजरमेंट करेंगे। तो यहाँ पर मैंने 3 चम्मच मैदा लिया है और उसके साथ में डाल रही हूँ 2 चम्मच। यहाँ मैं यूज़ कर रही हूँ भूरा, तो आप या पीसी हुई चीनी भी यूज़ कर सकते हो। आप जो क्वांटिटी है चीनी की वो अपने हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हो। या नॉर्मल मीठा मैं खाती हूँ तो यहाँ मैं सिर्फ 2 चम्मच ही यूज़ कर रही हूँ। आप चाहे तो 3 चम्मच डाल सकते हो अपने हिसाब से। यहाँ उसके साथ साथ मैं डाल रही हूँ 1/4 चम्मच बेकिंग पाउडर। ये बहुत इजीली अवेलेबल होता है, घर में बहुत लोग यूज़ करते ही हैं, खाने में लगता ही है। और उसके साथ साथ मैं डाल रही हूँ थोड़ी सी 1 चम्मच जो हमारा चोको पाउडर, और साथ ही साथ थोड़ी सी कॉफ़ी, बहुत ही थोड़ी सी कॉफ़ी डालनी ताकि इसका जो फ्लेवर है ना बहुत ही अच्छा आता है। कॉफ़ी का भी चॉकलेट सब बहुत ही चोको फ्लेवर आता है। सारे में जो हमने इंग्रेडिएंट्स डाले अच्छे से मिक्स करेंगे, अच्छे से इसको हमें सूखे जो इंग्रेडिएंट्स हैं सब अच्छे से इसको पाउडर इंग्रेडिएंट्स मिक्स कर लेना है। उसके बाद मैं डाल रही हूँ थोड़ा सा दूध, दूध हमें यहाँ पे 3 चम्मच डालने हैं। तो यहाँ पे ऑलमोस्ट सबको 3-3 चम्मच ही है, तो बहुत इजी है इसको याद रखना। यहाँ पे मैं डाल रही हूँ 2 चम्मच ऑयल, ऑयल यहाँ पे ज़्यादा अच्छा नहीं लगता, नहीं तो ऑयली ऑयली सा हो जाता है, इसलिए यहाँ पे 2 चम्मच ही ऑयल डालना है। तो इसको हम अच्छे से मिक्स करेंगे फॉक की हेल्प से, ताकि जिसमें हवा है, क्योंकि कप ही है तो हम दूसरा स्पैचुला यूज़ कर सकते हैं, बट यहाँ पे कप में यूज़ करना, तो इसलिए फॉक की हेल्प से हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। देखिए जो केक है हमारा कितना टेस्टी और वाओ बहुत यम्मी लग रहा है। और हमारे पास बहुत चुटकी, मतलब पिंच ऑफ, जैसे सॉल्ट डालते हैं ना, ऐसे पिंच ऑफ हमें डालना है बेकिंग सोडा। और उसके बाद सबसे लास्ट में मैं डाल रही हूँ विनेगर। विनेगर भी हमें मतलब बहुत ही थोड़ा सा डालना है यहाँ, मतलब मैंने बिल्कुल 1 ड्रॉप ही विनेगर का यूज़ करा है, क्योंकि 1 कप ही बना रहे हैं, तो 1 कप में बिल्कुल 1 ड्रॉप ही यूज़ होगा विनेगर का। यहाँ मैंने एप्पल विनेगर का यूज़ करा है, आप चाहे तो कोई और विनेगर भी यूज़ कर सकते हैं, बट एप्पल विनेगर हमारे लिए हेल्थ के लिए अच्छा होता है, तो इसलिए विनेगर मैंने एप्पल विनेगर का ही यूज़ करा है। यहाँ हम इसको अच्छी तरह मिक्स करेंगे, ये देखिए। और यहाँ मैंने चोको पाउडर इसके ऊपर गार्निश कर दिए, इसे और भी टेस्टी हमारा चॉकलेट चॉकलेट जो है अच्छा लगेगा। आप चाहे तो चोको चिप का भी यूज़ कर सकते हैं। अब इसे हम करेंगे 1 मिनट के लिए बेक। देख रहे हैं आप, 1 मिनट के अंदर ही हमारा जो चॉकलेट है कपकेक वो बन जाएगा। मतलब कैन यू इमेजिन हमारा 1 मिनट के अंदर कोई केक बन सकता है। ये देखिए मैंने ओवन में यहाँ पे 1 मिनट के लिए कप केक को करना है माइक्रो। ये देखिए वाओ वाओ यार, मतलब मेरे को था नहीं तब बन जाएगा, मैंने फर्स्ट टाइम बनाया और वाओ कितना टेस्टी लग रहा है ये 1 मिनट के अंदर केक, बिल्कुल सॉफ्ट। अब हम देखते हैं इसे कि हमारा पक गया है या नहीं पका टूथपिक की हेल्प से। ये देखिए चिपका नहीं है बिल्कुल, टूथपिक वैसे की वैसे निकल गई है। इसका मतलब हमारा जो केक है बिल्कुल बन चुका है, सॉफ्ट स्पॉन्जी और बहुत ही टेस्टी। मतलब 1 मिनट के अंदर यार दिस इज बिल्कुल, हम सोच भी नहीं सकते थे। अब इसके बाद फिर मैं थोड़ी सी चॉकलेट पाउडर डाल रही हूँ, आप चाहे तो चोको चिप भी यूज़ कर सकते हो। और बहुत टेस्टी टेस्टी केक, गर्म भी खाओ चाहे ठंडा होकर खाओ, पर गर्म तो मुझे बहुत टेस्टी लगता है, मतलब गर्म गर्म ही खाते हो। ये थी मेरी आज की रेसिपी। तो गाइस थोड़ा तो लव शो करो यार, प्लीज़ सपोर्ट। एंड बाय बाय, टेक केयर, सी यू द नेक्स्ट वीडियो।